हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, गुड। माय नेम हेमंत कुमार। चलिए आज क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स, अगर एक पेन याद रखा हुआ है, हमने कहा इसके ऊपर फोर्स लगाओ, हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे या फिर इसको क्या करेंगे, इधर से पुल करेंगे, इसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली फोर्स क्या होने पास, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ push and pull। ठीक है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ push and pull that changes or tends to change the state of object। जो पुश और पुल दैट चेंज, जो उसको चेंज करेगा या उसको ट्राई करेगा चेंज करने की, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सी स्टेट हो सकती है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में है, या फिर ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन और ऑफ डायमेंशन। मतलब कि क्या हुआ इसका, एक एक्शन में फॉर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, जो चेंज करेगा या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट, अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में है तो उसको रेस्ट में ट्राई करेगा, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, या फिर उसके डायमेंशन को चेंज करेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक ग्लोब है, ठीक है, रेस्ट पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, अभी रेस्ट में है, तो क्या रेस्ट में रहेगा फोर्स अप्लाई करने के, नहीं, हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट में है, हमने क्या किया, इसको चेंज करने की कोशिश की, इसको हमने चेंज किया, और इसको किस में ले आए हम, मोशन में, हमने क्या किया, इसके स्टेट को चेंज किया, रेस्ट से किस में ले आए, इसको मोशन में ले आए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की, अपने पास ग्लोब है, या ग्लोब है अपने पास, ये ग्लोब है इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी ये किस में, मोशन में, हमने क्या किया, हमने इसको पुल किया इधर से, यानी क्या अप्लाई किया इसके ऊपर फोर्स, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मोशन से, इसको इसकी जो रेस्ट है, इसकी जो स्टेट है, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस में लेके आए हम, रेस्ट में, हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फिर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन, हम इसको इसकी जो मोशन की ऑब्जेक्ट है इसको चेंज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी चेंज इन डायरेक्शन, देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे बॉल आई अपने पास, ठीक है, क्रिकेटर ने और बैट्समैन ने क्या किया, इसको बॉल को हिट किया, और हिट करके बॉल की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये क्या होगा, क्या हुआ ये अपने पास, चेंज ऑफ टेंस टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। नंबर फोर, डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अपने पास यहां पर एक बॉल रखी हुई है किसी भी शेप की, ऊपर से हमने क्या किया, इसको पुश किया, या हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसके डायमेंशन है वो चेंज हो जाएंगे, क्रश हो जाएगी वो, तो डायमेंशन क्या हुआ इसकी, चेंज हुई, तो इस तरह से हम उसकी चेंजेस टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन डायरेक्शन एंड डायमेंशंस। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इसके टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये जो फोर्स लगेगा इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपने पास एक ग्लोब है और हमने क्या किया, इसको पुश किया, इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी ना। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और मैंने क्या किया, इसको फोर्स किया, अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो अभी देखो मूव कर रहा है, यानी मैं इसके साथ क्या है कॉन्टैक्ट। इस तरह के जो फोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स इट अकर ड्यू टू, इट अकर ड्यू टू द फिजिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड फोर्स जो हमने यहां अप्लाई किया, सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। अब जैसे आगे मूव करेंगे इसकी बैकवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। हम इसको आगे स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद आता अपने पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका ऑपोजिट हो गया कि ऐसा फोर्स जिसके बीच में हमें किसी फिजिकली कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पर आयरन नेल्स है, अब क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ, यानी इस साउथ पोल ने इनको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कहीं के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्या लगा, यहाँ पे एक फोर्स लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसके, मैग्नेटिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है वो कोई कॉन्टैक्ट में थोड़ी ना है, उसको बोल दो क्या होगा अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अपने पास पेड़ है, वहां से अगर पत्ता गिरता है, या कोई फ्रूट्स है, एप्पल है, वो अर्थ पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर दिया है, लेकिन उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी में एक तरह से क्या हो गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट अकर बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट are not in, that are not in direct contact. इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल अपने पास मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसकी सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी जो फोर्स है उसके टू टाइप्स होते हैं, नंबर वन बैलेंस फोर्स, नंबर टू अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स नंबर टू, अनबैलेंस्ड। नाम तो बदल रहा है कि ऐसे फोर्स जो क्या हो, बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल अपने पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट पे, सपोज करो ये रेस्ट पे, इस तरफ एक इसके ऊपर फोर्स लगा F1, ठीक है, और इधर एक फोर्स लगा F2, और F1 है वो इक्वल टू F2 है। इस केस में क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, क्या मूव करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। इधर से F1 जितना फोर्स लगाया उधर से ही उतना फोर्स लगाया, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। इसके स्टेटमेंट इसकी क्या हो गई डेफिनेशन, कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी दैट इज resultant force is zero. resultant force क्या हो,
जीरो है। इसके बाद एक नोट करके डालना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो है कि बैलेंस फोर्स है वो स्टेट को चेंज नहीं करता, द बैलेंस फोर्स डू नॉट रिजल्ट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी, अगर इस फोर्स को मोशन कर रही होती और इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो ये मोशन में रहती, इसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। जस्ट अपोजिट अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो। कैसे, देखो सेम अपने पास ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक में F1 ग्रेटर देन, यानी इधर से फोर्स लगा F2, इधर से फोर्स लगा F1, और F1 ग्रेटर देन है, तो क्या फोर्स बैलेंस हुए, नहीं हुए फोर्स। इस केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है किस तरफ मूव करेगा, अगर F1 ग्रेटर देन है तो टुवर्ड्स F1, अगर F2 ग्रेटर देन था तो टुवर्ड्स F2 मूव करती। तो इसमें क्या हो गया कि जो बैलेंस फोर्स है, यानी दिस फोर्स गोज इन चेंज इन दिस केस गोज चेंज इन मोशन, ये जो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स होता है ये क्या करता है, कॉज है चेंज इन मोशन का। अगर रेस्ट में है तो ये मोशन करेगी, और अगर ये मोशन में है तो हम इसको रेस्ट में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इधर मोशन कर रही है, उधर से हमने F1 लगाया, इधर से F2 लगाया, और F2 ग्रेटर देन है, तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। या अगर वो ऑब्जेक्ट अगर हमने इधर मूव कर रही है और F2 हमने अगर F1 हमने ग्रेटर देन किया तो वो इधर ही और तेज चलने लग जाएगी, मतलब वो क्या जाएगी, एक्सलरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया अपने पास फोर्स के बारे में। फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास इनर्शिया। देखो इनर्शिया, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी है बॉडी की, कि अगर वो बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, हैप्पी टू बी रेस्ट, और अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं, हैप्पी टू बी इन मोशन, और वो चाहता है कि कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। वो जो उसकी टेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या हुआ कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट To be in rest or to be in motion, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, the tendency of an object to remains in state of rest or in uniform motion. क्या की tendency of an object to remains in state of rest or in uniform motion is called inertia। या हम क्या बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बॉडी को उसकी स्टेट चेंज करेंगे तो बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है अपनी इनिशियल स्टेट पे रहे, तो हम इसको दूसरी डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज itself, its state of rest of uniform motion called inertia।
एक इनएबिलिटी है वो बॉडी की टू चेंज इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए. तो इस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को और इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया. ठीक है, उसके बाद जो इनर्शिया है उसके तीन टाइप होते हैं. नंबर वन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर टू इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर थ्री इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. नाम से पता चल रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है तो वो नहीं चाहती कि उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो. ये क्या उसकी टाइप्स है इनर्शिया के. ठीक है, तो नंबर वन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, खुद से वो मूव नहीं करेगी. तो किसका एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल. कि वी फील ए बैकवर्ड फोर्स व्हेन बस सडनली स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल हम अपने बस के अंदर बैठे हुए, सडनली जैसे बस स्टार्ट हुई तो हमें बैक साइड में एक फोर्स फील होता है. वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम बस में बैठे हुए हैं या अपने खड़े हुए हैं, तो जो हमारे फिट है वो अर्थ के सॉरी बस के जो फ्लोर है उसके साथ कनेक्ट है. अब जैसे और अपनी जो होल बॉडी है वो रेस्ट में है, जैसे ही बस मूव हुआ, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, तो जो अपने जो जो फिट है वो एकदम मोशन में आएंगे, लेकिन जो अपना अपर पार्ट है वो अभी भी किस में है, रेस्ट में है. और वो क्या चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं. क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और जैसे ही बस चली तो हम ऐसे बैकवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि हमारा जो अपर बॉडी है वो अभी भी क्या है, रेस्ट में है और वो उसी पोजीशन पे है, लेकिन अपने जो फिट है वो एकदम सडनली आगे की ओर बढ़ते हैं. तो जैसे इस टाइप से हमें एक बैकवर्ड फोर्स फील होता है. ठीक है, सिमिलरली हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, जैसे ही हॉर्स चलता है तो हमें एकदम पीछे से फील होता है, वो भी इसीलिए होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. थर्ड केस, हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, कि अपने पास एक ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है. सडनली हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को रिमूव किया. जैसे ही हमने कार्डबोर्ड को रिमूव किया, जो कोइन है वो कार्डबोर्ड के साथ नहीं गया, वो ग्लास के अंदर नीचे आया. क्यों, क्योंकि जो कोइन है वो रेस्ट पे है और वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और वो यही पे रह गया और वो कार्डबोर्ड के आगे चला गया और अपग्रेविटी की वजह से वो कोइन अपने हाथ पे आ गया. तो इसका एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का. इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या है कि हम इसके बाद हम जो कारपेट है या ब्लैंकेट है उसको स्टिक से मारते हैं, है ना, उसको डस्ट को रिमूव करने के लिए. तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डस्टर है, इसमें डस्ट पार्टिकल है, वो अभी क्या है, रेस्ट में है, और वो क्या चाहते हैं, हम रेस्ट में रहे. जैसे हमने इसको हिट किया,
ये जो अपने पास कारपेट है वो एकदम सडनली बैकवर्ड एक्शन हुआ, लेकिन जो भी डस्ट पार्टिकल थे वो भी रेस्ट में है और वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहे, और वो जैसे पीछे गए वो यही पे रह गए, यहाँ पे रहने के बाद ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ गए। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, दैट इज द स्टेट ऑफ मोशन। कि अगर वो मोशन में है तो क्या कहता है कि मोशन में, इट मींस अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड कैन नॉट एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट एंड कैन नॉट एक्सेलरेट और डिसेलरेट इटसेल्फ। मींस अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी, वो खुद से एक्सेलरेट नहीं होगी और ना खुद से डीएक्सेलरेट होगी, मतलब कि वो खुद से रेस्ट में नहीं आएगी, वो किसके वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब इस एग्जांपल से कि वी फील देखो, अब जैसे हम बस के अंदर बैठे और हमारी बस मूव कर रही है, ठीक है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, हम क्या मोशन में है, अब हम मोशन में है तो सडनली क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, हम मोशन में, जैसे ब्रेक अप्लाई किए तो हमारा जो फिट है वो कॉन्टेक्ट में है फ्लोर के, तो ये एकदम से सडनली रुक गया, लेकिन जो अपनी अपर बॉडी है वो अभी भी क्या है, मोशन में है, तो हमें कैसा फील होगा, जैसे ब्रेक लगे ऐसे हम आगे की तरफ जाएंगे, है ना, जैसे चलते चलते हमें आगे की तरफ धक्का लगता है, जैसे बस के ड्राइवर अप्लाई ब्रेक अप्लाई करता है, वो क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मीन्स वी फील एन व्हेन द बस सडनली स्टॉप, पैसेंजर्स हमारी बॉडी मोशन में है और जैसे ही कार सडनली स्टॉप होती है, ब्रेक सप्लाई होते हैं, हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है कि जिससे हमें चोट ना लगे, इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि हमें सीट बेल्ट को यूज करना चाहिए। फाइन, इसके बाद अपने पास आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सो दिस इज थर्ड वन, सेम इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ फॉलो करूं। फॉर एग्जाम्पल हम कार के अंदर बैठे हैं और जैसे ही हम स्ट्रेट पाथ चल रहे हैं, अब जैसे ही कार टर्न होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वी, जैसे ही कार ने इस तरफ टर्न लिया, दिस वे टर्न लिया, हमें हमारी जो बॉडी है वो क्या है, अभी भी स्ट्रेट चल रही है, लेकिन जैसे ही कार इधर टर्न हुई तो हम किधर जाते हैं, इधर, ठीक है, तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टर्निंग ऑफ कार, फॉर एग्जाम्पल कार जो है वो लेफ्ट साइड भी टर्न हुई और हम अभी कहाँ रह गए, नॉर्थ साइड, क्यों, क्योंकि हमारा जो अपर पार्ट है वो अभी भी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरफ से फील होते हैं। फिर से एग्जाम्पल क्या हो गए,
एग्जांपल क्या है उसका, ये कार है, तो जैसे ही वो टर्न हुई, जो पर्सन सिटिंग है वो इनसाइड, वो क्या होगा, थ्रोन आउटसाइड होगा। ठीक है, ये किसका एग्जांपल होगा, इनर्शिया और डायरेक्शन के।